गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास है आपकी पहली वाली क्लास जो आप पढ़ रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। और उसमें आपको मैंने कितनी प्रॉपर्टी बताई थी? चार प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता है ना, याद है? कल की क्लास में मैंने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो कि सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलाया उस पर डिपेंड करने वाली नहीं, कितना मिलाया है ना, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट उस पर डिपेंड करे, वो कहलाती कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और चार मेजर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करने वाले थे, जिसमें से पहला कल मैंने खत्म करा दिया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसे किस तरह से हम एटॉमिक मास को निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड जो है वो है आपका ये वाला पॉइंट, इलेवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक का बढ़ जाना, क्वथनांक उन्नयन के बारे में जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा पॉइंट हम इसके बाद पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको समझना, उसके साथ आपको किसी सॉल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल है उस सॉल्यूट का हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है ना। और उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स को। सबसे पहली चीज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको कि हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। तो सबसे पहले तो हमें किसकी बात समझनी पड़ेगी कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। जनरली छोटी क्लासेस से हमें समझाया जाता है कि भाई वह तापमान है जिस पर कोई भी लिक्विड जो है वो किसमें बदलना प्रारंभ कर देता है, उबलकर गैस में चला जाए, यानी कि वहां पर ऐसा टेम्परेचर किसी कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर, ऐसा टेम्परेचर जहां पर किसी लिक्विड और उसकी वेपर दोनों ही क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, वो क्या कहलाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। दूसरी चीज आप इसको बड़ा आसानी समझ सकते हैं कि आप एक लिक्विड है उसको आप क्या कर रहे हैं, ये लिक्विड है, ठीक। इस लिक्विड के ऊपर ही क्या है, इस लिक्विड की क्या होगी, वेपर होगी, ठीक है ना भाई। जो लिक्विड है उस लिक्विड के ऊपर ही क्या होगी, उसकी वेपर होती है, और इस वेपर का जो प्रेशर होता है वो इसका क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाता है। क्लियर है, ये पढ़ चुके हैं अपन। तो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, तो किसी लिक्विड की सरफेस पर उसी की वेपर द्वारा लगने वाला प्रेशर क्या कहलाएगा, आपका वेपर प्रेशर कहलाएगा लिक्विड का। अब देखें बाहर का कोई आपका एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे कि यहां पर आपका 180 एम प्रेशर बाहर मौजूद है, एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक। जब आपने लिक्विड को रखा है तब प्रेशर 180 एम जितना नहीं है, उससे कम है। अब आपने क्या किया, इसको टेम्परेचर देना चालू किया, गर्म करना प्रारंभ किया, अब आप उसको गर्म करेंगे, तो जैसे जैसे गर्म करेंगे तो इसकी वेपराइजेशन की रेट बढ़ेगी, और वेपराइजेशन की रेट बढ़ने के कारण यहाँ पर वेपर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। माना कि पहले जो था वो 1/2 ATM था, अब आप जैसे जैसे इसको गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने के पश्चात जैसे ही ये 1 ATM प्रेशर डालना चालू कर दे, कितना, जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके बराबर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। समझ में आया ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ लिक्विड, आउटर प्रेशर जो है उसके बराबर लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर जब लगता है तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक। थोड़ी सी चीज में मैं समझा दूं इसको, बॉइलिंग पॉइंट जनरल कुछ फैक्टर्स पर होता है, जैसे कि आपका पहला है टाइप्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड का टाइप क्या है, टाइप्स का मतलब यहां पर ये होगा लिक्विड के अंदर उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि एक दूसरे के पास चिपके हुए हैं तो वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, मतलब कम वोलेटाइल होगा, तो नहीं होगा लिक्विड है तो वोलेटाइल होगा, पर उसकी वोलेटिलिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, और कम होगी तब आप इसको जब गर्म करेंगे तो इसकी वेपर भी कम बनेगी, और जब आपको एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर अगर आपको उसका वेपर प्रेशर लाना है तो आपको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ना। और सेकंड चीज, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स उसके क्या है, पहले से ही कम है, और कम है तो उसकी वोलेटाइल नेचर क्या होगी, ज्यादा होगी, तब आप जैसे उसको गर्म करेंगे तो जल्दी ही क्या होगा, वो उस एक्सटर्नल प्रेशर को गेन कर लेगा और उबलना चालू हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी कि डेंसिटी कम होती है, तो उनके अंदर वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगी, और वोलेटाइल नेचर से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
ठीक है, तो वोलेटिलिटी के साथ साथ अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। जैसे एथिल एल्कोहल लिया और H2O लिया, आपको पता है कि एथिल एल्कोहल और H2O में H2O ज़्यादा डेंस होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कारण जो बॉन्डिंग आती है, H बॉन्डिंग के कारण मोलिक्यूल क्या हो जाते हैं, पास पास हो जाते हैं। एथिल एल्कोहल के अंदर हम ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे इन चीज़ों को, कि एथिल का इंडक्टिव इफेक्ट जब वहाँ पर होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम करता है, जिसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है वो कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर आपका एथिल एल्कोहल पहले ही, क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल है H2O के कंपेयर में, इसलिए पहले ही बॉइलिंग होता है, तो वहाँ पर एथिल एल्कोहल 78 पर बॉइल हो रहा है एक एटम पर, और H2O 100 डिग्री पर बॉइल हो रहा है। आगे समझ में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है जो बॉइलिंग पॉइंट के लिए होती है। अब इनको आप कुछ एग्जाम्पल जो आप है जनरली हम किसी से पूछते हैं कि बता भाई अगर आपका जो पानी है उसको हम खुले हुए पात्र के अंदर, कंटेनर के अंदर गर्म कर रहे हैं या ढक्कन लगा के गर्म कर रहे हैं, तो पानी किसमें पहले बॉइल होना चालू हो जाएगा। तो जनरली अप्रोक्सीमेट यहाँ पर अधिकांश का आंसर होता है, उनको पता है कि पानी को ढकते तो जल्दी गर्म होता है, ये कंपेयर अपना जनरल देखी हुई चीज है। लेकिन मामला ऐसा नहीं है, खुले के अंदर क्या होगा, आउटर प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम है, और बंद पात्र के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गया तो जो बंद कंटेनर के अंदर पानी बॉइल किया जा रहा है उसको एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर रहने में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी। इसका मतलब जो क्लोज कंटेनर के अंदर पानी बॉइल हो रहा है उसको अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, जैसे पहाड़ों के ऊपर हम जाते हैं तो वहां कहते हैं भाई कि दाल पकाने में काफी समय लगता है ना, ज्यादा गर्मी, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो कारण वही है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, वेपर वहाँ का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम हो जाता है ना, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। जब बाहर का दाब कम है तो वहां पर अगर आप दाल को पकाते हैं तो पानी जल्दी बॉइल होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाहर का दाब कम है तो कम टेम्परेचर भी क्या होगा, बाहर के ताप को गेन कर लेगा तो वह उबलना चालू हो जाएगा। और ऐसी स्थिति के अंदर जब कोई प्रोसेस है ना, अवस्था परिवर्तन, फेज अगर आपकी चेंज हो रही है तो वहां पर दी जाने वाली सारी हीट कहाँ चेंज हो जाती है, उस अवस्था परिवर्तन में चेंज लग जाती है, तो अंदर के पानी का जो टेम्परेचर होगा उबलते हुए पानी का वह वहां पर क्या होगा आपका कम होगा। और ऐसी स्थिति के अंदर दाल को कम टेम्परेचर, कम उष्मा मिलेगी तो उसको ज्यादा समय तक अपने को क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं एलिवेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट में वो क्या बना है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आप इसको जल्दी छोटे से उदाहरण से समझे जो पहले से पढ़ चुके हैं। आपने एक सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट लिया, इसका मतलब क्या हो गया, प्योर चीज है, प्योर वाटर है, कुछ भी इसमें आपने मिलाया नहीं है। और दूसरा इसका सॉल्यूशन लिया, और सॉल्यूशन में क्या किया आपने, वाटर के साथ किसको मिला दिया है, साल्ट मिला दिया है, एसिड को मिला दिया है, ठीक। अब आप करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, माना कि 1 atm, ओके। और इस प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जब इस लिक्विड की वेपर प्रेशर होगी तो बॉइल होगा, और जब इसकी भी इसके बराबर होगी तो ये क्या होगा, बॉइल होगा। तो अब पहले बॉइल कौन होगा, तो जिसकी वेपराइजेशन की रेट ज्यादा होगी। तो हमें पता है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर लिक्विड होता है, उसकी वेपराइजेशन की रेट सॉल्यूशन की कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है, अधिक होती है, होती है ना। और क्यों होती है, इसको भी मैंने पहले वाले में बताया था तुम्हारे को, क्योंकि जो सोल्यूट होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसकी सरफेस पर जमा हो जाएंगे, और तो सरफेस पर जमा हो जाएंगे तो इसकी वेपराइजेशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये ज्यादा वेपराइज है या कम वेपराइज है, और जो ज्यादा वेपराइज है उसका एक्सटर्नल जो आपका प्रेशर है उसको जल्दी गेन करेगा, तो ये पहले बॉइल होना चालू हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा आपको, कम, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा आपको, ज्यादा। तो किसी शुद्ध सॉल्वेंट के अंदर या लिक्विड के अंदर जब किसी नॉन वोलेटाइल, ये ध्यान रखें क्योंकि राउंड लॉ के द्वारा मॉलिक्यूलर मास निकालना जाए तो उसकी कंडीशन है ये कि आपका सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, क्योंकि अगर वोलेटाइल हुआ तो फिर उसकी भी प्रेशर होगी, इसकी भी प्रेशर होगी, तो दोनों का प्रेशर जो होगा वो उसका वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो इस सॉल्वेंट के प्रेशर से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लेकिन हमेशा ही वेपर प्रेशर सॉल्वेंट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है उनका ऐसा नहीं कह सकते जो नॉन वोलेटाइल में होता है। नॉन वोलेटाइल में हमेशा सॉल्यूशन का जो प्रेशर आएगा वो हमेशा कम आएगा। तो यहां पर आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने पर उस सॉल्यूशन के बनने के कारण उस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट होता है या बढ़ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं,
क्या कहेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आया रहे समझ में? है भाई, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा आपको, शुद्ध है तो कम होगा, और जब आप इसको मिलाओगे तो रेट ऑफ वेपोरेशन कम हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मिलाने पर कितना बड़ा है वह उसका क्या कहलाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब आप मान के जैसे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या मान लिया, टीबी नॉट क्योंकि प्योर है, और सॉल्यूशन का क्या मान लिया, बॉइलिंग पॉइंट टीबी है, तो डेल्टा टीबी किसको बता रहा है, एलिवेशन को, किसके बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन को, और बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो हो जाएगा टीबी नॉट माइनस टीबी, क्योंकि इसका तो आपको सॉरी सॉल्यूशन का टीबी और टीबी नॉट, इसका आपको ज्यादा मिलेगा इसका कम मिलेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल किसके हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये ध्यान रखें, ये जो क्वथनांक का बड़ा है वो किसका, सॉल्यूशन का नहीं हो रहा, सॉल्वेंट का क्वथनांक बढ़ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, टीबी, और इसका क्या है, टीबी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी। हो गया ना भाई, ठीक है, इसको उतार लो आप। पहले तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, और फिर आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो डेल्टा टीबी समझ में आ गया ना, डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आता है वो आपका क्या कहलाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। है ना, डिफरेंस आने का मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट से ज़्यादा आएगा। और क्यों आएगा, मैंने पूरा समझा दिया। अब आप नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन द डेल्टा टीबी डेल्टा पी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट की मात्रा को अपन चेंज करते जाते हैं, तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के साथ साथ उसका डेल्टा पी में क्या चेंज आएगा और डेल्टा टीबी में क्या चेंज आएगा और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें जो मैंने अभी समझाया कि जैसे ही आप सॉल्यूट की मात्रा को बढ़ाते हैं, सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं, तो सॉल्यूट की डिजोल्व जो आपकी मात्रा है उस जितनी मात्रा होगी उसी के हिसाब से क्या होगा, आपका लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि मात्रा बढ़ाने के साथ साथ वेपरेशन की रेट घट रही है। अब लोअरिंग वेपर प्रेशर जितना आएगा, तो दूसरी चीज़ मैंने अभी बताई कि जैसे जैसे आपका वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कम आएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जाने के लिए उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो उसका डेल्टा टीबी यानी कि टीबी का मान जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकली रूप से देखें और अगर आप ग्राफ अलॉट करें, ड्रॉ करें, इसमें टेम्परेचर व वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर, एक एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं और दूसरे एक्सिस पर क्या ले लेते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं। बड़ा आसान सा है, ध्यान रखें, सीखें इसको। ये आपका वेपर प्रेशर, ठीक। दो चीजें लेंगे हम जिनके बीच में ग्राफ लोड करेंगे, एक तो आपका सॉल्वेंट है और एक आपका क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहले माना कि मैं इस टेम्परेचर की बात करूं, रूम टेम्परेचर यहां है, यह आपका रूम टेम्परेचर है इस जगह, तो जिस टेम्परेचर पर आपने सॉल्वेंट को रखा हुआ है तो उस टेम्परेचर पर उसकी वेपर प्रेशर होगा, जो टेम्परेचर है उसकी प्रेशर होगी, कम होगी गर्म करने से पहले। तो ये वेपर प्रेशर माना कि किस जगह पर है, मैं इस जगह पर ये कर रहा हूँ, ये आपका रूम टेम्परेचर है, और इस जगह पर आपका क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, इस जगह तक आपका वेपर प्रेशर था। अब आपने इसको हीट किया, हीट करने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। और ये जो प्रेशर है इस जगह पर पॉइंट कर रहा हूँ, ये आपका क्या है,
एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, इसको मैं 180 मान लेता हूँ। कि जब आप इस एक्सटर्नल को कर रहे थे तब आपका एक्सटर्नल प्रेशर कितना था, 180 था। अब जैसे ही सॉल्वेंट को आपने इस जगह से हीट करना चालू किया और टेम्परेचर यहाँ तक लेके आया इस जगह से, और ये लाइन देखें आप, इस टेम्परेचर पर इसकी वेपर प्रेशर, आउटर जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो क्या होगा यहाँ पे, जब दोनों चीजें बराबर हो जाती है तो क्या होगा, ये बॉयल करना चालू करेगा। तो जब बॉयल होगा तो इसको हम क्या मानेंगे, इस टेम्परेचर को क्या मान सकते हैं हम, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, डी नॉट बी। ओके, अब सेकंड केस, आपने सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया और क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। जब सॉल्यूशन को बनाया तो आपको पता है कि जैसे सॉल्यूट मिला होगा उसका उस इस टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, उससे इसका वेपर प्रेशर क्या आने वाला है, कम आएगा, आएगा ना, कई बार बता दिया हमने क्यों आएगा, तो सॉल्यूट मिलेगा उसके मॉलिक्यूल जगह गिरेगी, सरफेस पर मॉलिक्यूल होने के कारण सॉल्यूट के वेपरेशन की रेट घट जाती है। पर माना कि उस समय इसका कितना था प्रेशर, ये था, और अब वापस सॉल्यूशन को आपने हीट करना चालू किया तो ये वापस क्या हुआ, बढ़ा, और इस पॉइंट पर आते आते ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है इस टेम्परेचर पर, और इस टेम्परेचर पर क्या है, आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो सॉल्वेंट को सॉल्यूट को मिलाने पर सॉल्वेंट का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट था वो यहां से रेज होकर कहां तक आ गया, इस जगह तक आ गया। तो ये जो आपका रेज हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया। पर ये जो डिफरेंस है ये क्या है, डेल्टा पी है, और ग्राफिकली हम देखते हैं तो डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, डेल्टा टी बी के। प्रैक्टिकली आधार पर देखा गया है कि जितना लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, एलिवेट हो जाएगा। तो इधर से एलिवेशन होना और इधर से इसका क्या होना, लोअरिंग होना, तो ये दोनों ही चीजें एक दूसरे की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी। ठीक है, आप इस ग्राफ को बना लें, क्लियर है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि एग्जाम में सॉल्यूशन में तीन पार्ट किए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, एक पार्ट में आपका न्यूमेरिकल होता है, एक पार्ट में कई बार आपको क्या है, ये जो ग्राफ है ये पूछे जाते हैं, और ग्राफ में भी कौन से है, तीन चार मेजर ग्राफ है, एक तो आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ है जो आपने बताया है ना यू करके, दूसरा ये है, तीसरा डिफ्रेक्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का होगा। तो ये तीन चार जो ग्राफ है इनको आप अनोट करना और उसको ध्यान से समझ लें। तो ये इसके बीच में है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ अनोट किया गया, सॉल्यूशन और किसका, सॉल्वेंट का। तो इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा और इस ग्राफ का रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट ये निकल रहा है कि जितना ज्यादा सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ही वेपर प्रेशर लोअरिंग होगा और उतना ही उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज हो जाता है। तो डेल्टा टी दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, आई गेस समझ में। अब क्लियर बात करें कंसेंट्रेशन के बारे में, तो कंसेंट्रेशन के बारे में हम जब इसको पढ़ते हैं तो कंसेंट्रेशन में देखें आप, डेल्टा पी का कंसेंट्रेशन के क्या साथ क्या रिलेशनशिप आया था, तो वहां देखा था डेल्टा पी राउंड के अनुसार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, यानी कि सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। तो यहां पर मिटा दूं मैं इसको, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डेल्टा टी बी के, और राउंड के अनुसार, राउंड से क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ए यहां पर क्या सॉल्वेंट है, इक्वल किसके था, एक्स बी के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ओके, और इसको मैं क्या लिखता हूं, डेल्टा पी इक्वल पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए यहां पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है ना भाई, ये प्योर जो भी होता है तो किसी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर उसकी वेपर प्रेशर हमेशा क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, जब उसमें किसी चीज को नहीं मिलाया गया, क्योंकि वॉल फ्रैक्शन बना जाता है वहां। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ठीक, और आपको पता है कि डेल्टा पी जो हमने निकाला ऊपर
डेल्टा टी डी, उसको क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा टी डी डायरेक्ट मजबूत इसके हो गया एक्स बी के, हो गया ना। अब आप एक्स बी की बात करें तो एक्स बी बराबर क्या है, एल बी है नंबर ऑफ मोल किसके, सोल्यूट के, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल सोल्वेंट प्लस सोल्यूट के मोल। और राउल्ट नियम में कुछ कंडीशन है कभी इससे मॉलिक्यूलर मास निकाला जा सके, तो इसके लिए पहली चीज़ तो क्या है कि आपका सोल्यूट क्या होना चाहिए, इसको मैं बाद में हेनरी इसके बाद वाले में आपको बताऊंगा मैं, जब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जब आता है उसको नॉर्मल कैसे किया जाता है, तो वहाँ पर राउल्ट की कुछ जो लिमिटेशन है जब उसको फॉलो नहीं होता है तो वहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर मास क्या आता है, एबनॉर्मल आता है, असामान्य आता है। तो ऐसी स्थिति में राउल्ट के लॉ के लिए कुछ चीज़ें फिक्स है कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको सोल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, वोलेटाइल के लिए नहीं क्योंकि वोलेटाइल खुद वेपर निकालेगा तो वहाँ पर वेपर प्रेशर की मेजरमेंट नहीं की जाएगी। दूसरी चीज़ ये अत्यधिक कम सोल्यूबल हो, ज़्यादा सोल्यूबल ना हो, ठीक। और तीसरी कंडीशन होती है कि जिस क्योंकि ये क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है या नंबर ऑफ जो कंपोनेंट के जो आपके कण हैं वो कणों की संख्या क्या होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। और ये कब बदल जाती है कि जब आपने किसी चीज़ को मिलाया है, NaCl को मिलाया और Na टूट गया अलग और Cl अलग हो गया, तो एक डाला दो हो गए तो डिस्यूशन हो, चाहे दो डाले और एक हो जाता है एसोसिएशन हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो आपकी क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। तो उससे इनके जो आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो भी क्या होगी, आपकी नॉर्मल ना होकर एबनॉर्मल आएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है कि सोल्यूट जो है वो सबसे बहुत कम मात्रा में क्या होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए। इसका मतलब जब सोल्यूट कम सोल्यूबल है तो एल ए वेरी वेरी ग्रेटर देन इससे है एल बी से, बी के जो मोल है सोल्यूट के मोल बहुत कम है सॉल्यूशन के अंदर, तो ऐसी स्थिति में हम एल ए प्लस एल बी को क्या लिख सकते हैं, एल ए लिखा जा सकता है क्योंकि एल बी को मैंने क्या कर लिया, नेग्लेक्ट कर लिया। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप इसको लिख सकते हैं डेटा टी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए मैं कॉन्स्टेंट लगा देता हूँ के, और ये क्या हो जाएगा एल बी अपॉन एल ए। के यहाँ पर क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है, कॉन्स्टेंट है, हो गया। इसको साथ साथ उतार लिया, ठीक। पहला डिसिजन ग्राफिकली देखा तो ग्राफिकली क्या था, डेल्टा पी किसके समानुपाती था, डेल्टा डाइटोप्रोसिटी किसके था, डेल्टा टी बी के, और डेल्टा पी जो है वो कहाँ हो जाता है, राउल के हिसाब से पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया डिसीजन डेल्टा पी, और डेल्टा पी की जगह क्या रखते हैं डेल्टा टी बी, जो ये यहाँ पर डाइटोप्रोसिटी आ रहा है, ओके। अब इसके बाद आगे बढ़े, डेल्टा टी बी के एल ए और एल बी क्या है, तो एल बी सोल्यूट के मोल, मोल बराबर क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एल बी, और इसको नीचे रखूंगा तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बी अपॉन डब्ल्यू ए, हो गया ना भाई। अब आप देखें एक कंसेंट्रेशन के समय आपको बताया था कि मोलरिटी क्या होती है, तो मोलरिटी होती है एक के जी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल सोल्यूट के मोल। तो वहां पर आपका जो फॉर्मूला था वो ये था, सोल्यूट के मोल, सोल्यूट के मोल क्या होंगे डब्ल्यू पी अपॉन एल पी, उसके बाद सॉल्वेंट का वेट वो क्या है डब्ल्यू ए इंटू क्या था 1000 बाई 1, ये फॉर्मूला था आपका। और जब आप मोलरिटी के रूप में तो 1 केजी के लिए लिया जाएगा, तो 1 केजी के लिए डब्ल्यू पी अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू ए, यहाँ देखें सॉरी ये एम ए है ना सॉल्वेंट के लिए, तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। तो इसको मैं क्यों कर दूँ, डेटा टी बी लिखा जा सकता है के डॉट एम ए इंटू डब्ल्यू पी अपॉन एम डी इंटू डब्ल्यू ए, मैच कर लिया आ गया नहीं, तो ये क्या हो गया इसकी सॉल्यूशन की मोलरिटी हो गई। तो डेल्टा टी भी बराबर हो गया ए डॉट एम ए, और ये क्या हो गया आपका स्मॉल एम यानी कि मोलरिटी, और के कॉन्स्टेंट है,
और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। एक नया मॉलिक्यूलर मास दे दिया जाता है, इसको क्या लिखेंगे, के बी। तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है, डेल्टा टी बी यानी कि इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बी अपॉन एम सॉरी इनटू एम के। और के बी यहाँ पर क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। उतार लें आप इसको, नोट कर लें इसको, ये बेलियोस्कोपिक कांस्टेंट जिसको हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ओके भाई, अब ये बेलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है या मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, तो आप देखिए के बी इक्वल टू इसको क्या निकाला जा सकता है, डेल्टा टी बी अपॉन एम। तो कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वन मोलर सॉल्यूशन, जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाते हो तो उसका वन मोलर सॉल्यूशन कितना लिया, वन मोलर, वन मोलर इसको वन कर देते हैं तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी एम बराबर क्या लिख देते हैं, वन। तो वन मोलर सॉल्यूशन अगर है तो उसके अंदर होने वाला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ही उसका क्या कहलाएगा, के बी कहलाएगा। अगर आप वन मोलर सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, तो सॉल्वेंट का बीपी कितना था और अब उस सॉल्यूशन का, वन मोलर सॉल्यूशन का बीपी कितना है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, क्वथनांक उन्नयन है, वो किसके बराबर हो जाता है, के बी के बराबर हो जाता है। तो वह आपका क्या कहलाएगा, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। तो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या हो गया आपका, सिंपल सी चीज़ है, वन मोलर सॉल्यूशन के अंदर होने वाले बॉइलिंग पॉइंट के उन्नयन को हम क्या कहेंगे, उसका के डी कहेंगे। हम ठीक है भाई, ठीक। अब नेक्स्ट है कि अब आप इस के डी के आधार पर अननोन जो आपका सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। अब देखो एलिवेशन वॉल्यूम पॉइंट के आधार पर अपन किस तरह से सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि डेल्टा टी बी बराबर अभी निकाला के बी एम, एम क्या है, मोलिडिटी है, मोलिडिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डब्ल्यू बी अपॉन एम ई, ये किसके है, सॉल्यूट के, एम ए क्या है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है, इंटू 1000 बाई 1। तो डेल्टा टी बी इक्वल क्या हो गया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, आई गेस वन में। फिर आप एम बी निकालना चाहते हैं, एम बी को जान लिया, तो आपके क्वेश्चन क्या आ गई आपकी, एम बी इक्वल टू के बी, ठीक है ना, इबिलियोस्कोपिक जो आपका कॉन्स्टेंट है वो डब्ल्यू बी, सॉल्यूट का क्या है ये वेट है 1000, डेल्टा डी बी क्या है आपका क्वथनांक उन्नयन है, और एम ए क्या है, मॉलिक्यूलर मास है सॉल्वेंट का। तो ये मैंने यहाँ पर वैल्यू रख रखी है, डब्ल्यू बी बराबर ही है। तो अब आप इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, एम बी को निकाला जा सकता है। तो किसी भी सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को निकालना है तो आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूट को वेट लेकर सॉल्वेंट के 1000 जो आपका 1000 ग्राम या 1 केजी जो आपका सॉल्वेंट है उसके अंदर क्या करोगे, इसको सोल्यूट कर दोगे। जैसे ही सोल्यूट को मिला होगे तो ये आपका डब्ल्यू बी आपने तोल के डाला है तो पता है, एम ए वाटर में डाला है तो उसका मान 18 होता है, ये आपको पता है सारी वैल्यू आपको। फिर आप उसका क्या करेंगे, केवल उसके बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करेंगे, सॉल्यूएंट के बॉइलिंग पॉइंट के और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो डेल्टा टी भी आ जाएगा। ओके, सारी वैल्यू आपके पास होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ है, के डी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो के डी के लिए थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा एक इक्वेशन दी गई है, या लेंडबर्गर मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, हीट ऑफ वेपरेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन के द्वारा के डी को निकाला जाता है। तो के डी बराबर क्या लिखा जाता है, एम ए आर टी बी की पावर टू 1000 इंटू डेल्टा एच। एम ए क्या है,
मॉलिकुलर मास है सॉल्वेंट का, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है 8.314 होती है, ठीक। टीपी क्या है, सॉल्वेंट का क्या है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया ये। इसके बाद 1000 × Δh ये आपकी उस मेथड के द्वारा निकलेगी, तो हीट ऑफ यहाँ पर एंथैल्पी है ये प्रिपरेशन की, इसके द्वारा हम क्या करते हैं केबी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और केबी की वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या होगा अननोन जो सॉल्यूट है उसका मॉलिकुलर मास मिल जाएगा। अब इसके जो न्यूमेरिकल होता है उसमें अधिकांश आपको केबी की वैल्यू दे दी जाती है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में होगा, तो केबी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वेट वगैरह आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेगी, केवल मान वैल्यू रखनी होती है, आंसर आता है बोर्ड का लेवल इतना ही होता है, बोर्ड तक आपको इसी तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओके, आप इसको उतार लें, ये आपका मॉलिकुलर मास डिटरमिनेशन का है, नोट कर लो और जाए इसका स्क्रीनशॉट ले लो।